उसको कैसे आपके यहाँ बुलाया? हम बोले थे कि आइए से मतलब शादी करेंगे, देखेंगे बात विचार कैसे होता है, पास आइएगा तब न देखेंगे। तुम बुलाई थी? जी। क्या पहले से जान पहचान नहीं था उसे? क्या था पहचान? ऐसे उसका फेस नहीं देखे। मैं आरती के घर पे हूँ। आपने छोटू आरती की प्रेम कहानी के बारे में तो सुना ही होगा, आजकल बहुत ही लोकप्रिय है। ये आरती का घर है, आरती का घर का कंडीशन देख सकते हैं कितना ख़राब है। और मैं आपको एक ऐसी चीज़ यहाँ से दिखाने वाला हूँ जो सुनकर देखकर कहीं ना कहीं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप कहीं ना कहीं शॉक हो जाएंगे। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है आरती का, जिसको देखकर सच्चाई का पर्दाफाश हो जाएगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। पहले वीडियो देखिए। बाहर से पता चलता है कि बिजली का झटका लगा होगा। अच्छा, उसको कैसे आपके यहाँ बुलाया? हम बोले थे कि आइए से मतलब शादी करेंगे, देखेंगे बात विचार कैसे होता है, पास आइएगा तो देखेंगे। कौन बुलाई थी? तुम बुलाई थी? तो आरती बोलती है हाँ। जब रिपोर्टर पूछता है कौन बुलाया था, तुम बुलाई थी, आरती बोलती है कि हाँ मैंने बुलाया था। अब जरा सोच सकते हैं, जो आरती कहती है कि मैंने बुलाया, ये वीडियो 6 तारीख का है, न्यूज़ 18 पे अपलोडेड है, वहाँ पे लड़की जो है आरती बयां देती है कि मैंने ही आरती को बुलाया है। फिर अभी देख सकते हैं हाल फिलहाल के वीडियो में आरती हमेशा अपने बयान को लेकर अपनी भाभी को कह रही है जैसे कि वो भाभी ने बुलाया, और भाभी के केस में अंदर केस में नाम देकर कहीं ना कहीं भाभी को फंसाई हो। और अभी जो बयान से पलट रही है, इसका पीछे रीजन क्या है वो तो आरती ही जानती है। भला अपने परिवार के साथ ऐसा क्यों कर रही है वो खुद जाने। और फिर फिलहाल देख सकते हैं आगे वीडियो में, देखिए आगे वीडियो में क्या बोल रही है वो। पास आइएगा तो मैं देखेंगे। तुम बुलाई थी? क्या पहले से जान पहचान नहीं था उसे? क्या था पहचान? ऐसे उसका फेस नहीं देखे थे, मोबाइल से सिर्फ बात होता। यहाँ पे आरती बोल रही है कि मैं छोटू की फेस नहीं देखी थी, कह रही है कि जान पहचान था पर फेस नहीं देखी थी, उस दिन ये खुद बुलाई थी, ये भी स्वीकार कर रही है। जब रिपोर्टर पूछता है कि आरती को तुमने बुलाई थी, आपने बुलाया था, तो बोलती है कि हाँ मैंने ही बुलाया था। अब जरा सोच सकते हैं, जो आरती पहले बयां देती है कि मैं छोटू को बुलाई हूँ, मैं खुद बुलाई थी, वही आरती अभी हाल फिलहाल में कह रही है कि मेरी भाभी बुलाई है और भाभी को कहीं ना केस में नाम देकर अंदर करवा दे रही है। ऐसा क्यों कर रही हो वो भला आरती ही जाने। आखिर प्यार वालों से, घर वालों से इतना दुश्मनी क्या हो गया कि पूरा का पूरा घर वालों का केस में नाम चला गया है और पूरा का पूरा खानदान घर बर्बाद है। और देख सकते हैं तो पूरा घर का तहस नहस हो चुका है, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं अजीब सा मातम छाया हुआ है। और जो लड़की आरती है, आरती की प्रेम कथा को लेकर तमाम जो मीडिया का मीडिया में देख सकते हैं, कहीं भी हर जगह यूट्यूब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक सच्चा प्रेम कथा है। जब सच्चा प्रेम कथा होता तो कहीं ना कहीं आरती झूठ नहीं बोलती। इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है आरती पे कि ये आज जो सवाल है, जवाब है, उसको लेकर हमेशा वो बदलती आई है और कहीं ना कहीं उसका बयान बदलते आ रहा है। ऐसा दादी का कहना है कि यहीं पे उस जगह है, वो ये बाथरूम है, देख सकते हैं ये शौचालय है, यहीं पे आरती को पकड़ा गया था, आरती छोटू को पकड़ा गया था। पकड़ने वाला रविकांत यानी आरती की भाई था। ऊपर छत पे रविकांत सोया हुआ था, यानी आरती के भाई सोया हुआ था। यहीं पे कुछ एक्टिविटी हुई जिससे छोटू का भाई जाग जाता है और यहीं पे आकर दोनों को पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद में छोटू को मारा जाता है, मारपीट किया जाता है और छोटू उसका दम तोड़ देता है। आगे देख सकते हैं मारपीट को लेकर क्या कह रही आरती, वो भी सुनिए आप, उनका क्या बयान है वो भी सुनना चाहिए आपको। देखिए कि क्या बोल रही हो। भाभी का पूरा रिलेशन था, लोग था, उसका मायके का सब भाई, उसका पापा मम्मी सबका सपोर्ट था। उसके हाथ में उसके वो लड़का को मार दो, लड़की को भी मार दो, और सुबह में भी बोले सबके मार दो, दोनों को गोली से लगा के। ये कैसे मारा उसको? क्या उसको घर में बंद कर दिया था, हमको दूसरा रूम में, उसको दूसरा रूम में, हम उसको नहीं देखे पहुंचे, लेकिन मार से पता चलता है कि बिजली का झटका लगा हुआ है। अच्छा, उसको कैसे आपके यहाँ बुलाया? हम बोले थे कि आइए से, लगता था कि जैसे बिजली का झटका लगाया गया था। ये भी कहीं ना कहीं बोल रही है कि ये भी कंफर्म नहीं कि ऐसा लगाया गया था। और तमाम देख सकते हैं सबूत जो है घर के अंदर है, फिलहाल घर बंद है। क्राइम सीन का वीडियो शायद आपने पहले देखा होगा, वहाँ पे सब चीज़ दिखाया गया था, कैसे तोड़ फोड़ किया गया था। और जैसे जैसे आरती अभी जो बयान दे रही है, कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, वहाँ पे जो बातें बोली है और ये जो वीडियो में जो बातें, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहीं ना कहीं इसको लेकर हज़ारों सवाल उठते हैं आरती पे कि आखिर आरती ऐसा क्यों कर रही है, आखिर आरती अपने ही परिवार वालों से क्या दुश्मनी है कि जो अपने पिता को, भाई को, यहाँ तक कि भाभी को, सबको जेल के अंदर डालना चाहती है। यहाँ की भाभी के जो भाई है उनका भी केस में नाम है। और देख सकते हैं छोटू इस दुनिया में नहीं है। छोटू रात के 2 बजे
आरती के कहने पे ही आया था, जैसा कि इस वीडियो में आरती कह रही है। 2 बजे वो लोग पकड़े गए इस घर में, उसके बाद क्या हुआ वो सबके सामने है, छोटू इस दुनिया में नहीं है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर, आरती के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।